गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टेस्टिंग के एक अगले स्टेप पर हम लोग चल रहे हैं। पिछले समय में हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि टेस्टिंग में जो प्रेजेंट वर्तमान इतिहास का जानकारी लेने का कोशिश किया था, वर्तमान स्थिति का जानकारी लेने का कोशिश किया था, और इसी समय में कुछ कुछ हम लोगों को यह भी दिखलाई पड़ा था कि इस रोग का जो उसका कष्ट है उसका पुराने समय से भी उसका लिंकेज है, पुराने समय से भी उसका संबंध है। और ऐसे भी कोई भी बीमारी होती है या अब वर्तमान में कष्ट होता है तो उस कष्ट के पीछे में कोई ना कोई आधार होता है, भूमिका होता है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि बिना कारण के कुछ होता नहीं है। जब इस बात को हम लोग के पास में दिमाग में होता है कि बिना कारण के कुछ नहीं होता है तो हमें पूर्व इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। रोगी के पूर्व इतिहास को जानना जरूरी है। पूर्व इतिहास एक लंबा प्रक्रिया होता है और उसका लिंक बना हुआ होता है। अक्सर हम लोग केस टेकिंग करने के समय में लोगों के दिमाग में आता है वो तो ठीक हो गया, चला गया, अभी नहीं है, तो उसका वर्तमान से क्या संबंध होगा, और उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है और होम्योपैथी में हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं, कोई भी बीमारी होने के लिए उसमें एक कारण भी हुआ करता है, और कारण उसका टर्निंग पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट होता है। तो हर एक आदमी के जीवन में कई एक मोड़ आते हैं और जिंदगी का जो मोड़ है उसमें कई एक मील के पत्थर भी होते हैं, और हर एक मील के पत्थर में उनके जीवन में एक बदलाव आता है। तो इसकी जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा, और बिना मील के पत्थर को जाने हुए और बिना माइल स्टोन को जाने हुए और बिना बदलाव को जाने हुए हम लोग वर्तमान का सही अनुभव हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। वर्तमान का तो क्यों है इतना भयंकर या कितना आराम या नहीं ठीक होने वाला, किन कारणों से है और कौन कौन सा चीज, इसमें दो चीज होता है, कैसे वह उत्पत्ति हुआ, वह रोग कैसे शुरू हुआ, उसका ओरिजिन, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। उसके बाद में तीसरी बात हम लोग जो जानना चाहते हैं वह मेंटेनिंग फैक्टर्स, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी, है ना, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमिना होता है रोगी को, रोग को पूरी तरह से समझने के लिए। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम लोग के पास में एक संपूर्ण भूमिका बन जाए, संपूर्ण एक सिस्टम बन जाए, संपूर्ण एक हमारा आधार बन जाए जिससे कि हम वास्तविकता के पास पहुंच जाए। कितना वास्तविक है, कितना सत्य है, कितना, ये तो समय बताता है, लेकिन प्रयास जो है सो हमेशा सत्य के पास में पहुंचने के लिए किया जाता है। तो छात्रों, ये जो पूर्व इतिहास है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के केस टेकिंग का, और इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करने करके आप बहुत बड़ी बातें, वर्तमान को आप अधूरा ही अध्ययन कर पाएंगे, वर्तमान का अध्ययन कर पूरा कर पाएंगे। और हमारे होम्योपैथी के लिए तो ये और भी आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग केवल वर्तमान का इलाज नहीं करते, हम लोग उसके पास्ट के हिसाब से उसके माइजमेटिक फैक्टर्स को भी निकालते हैं, उसके माइजमेटिक फैक्टर्स का भी हम लोग खोज करते हैं, और माइजमेटिक फैक्टर्स को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो माइजमेटिक फैक्टर्स आप कैसे जानिएगा, माइजमेटिक फैक्टर्स के लिए आधार होता है, और माइजमेटिक फैक्टर्स पुराने इतिहास के साथ में काफी संबंध बना हुआ होता है। वर्तमान को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, और भूतकाल को देख करके आप कन्फर्म हो सकते हैं। तो वर्तमान और भूतकाल दोनों को मिलाने से आपको टोटैलिटी के पास पहुंचने में, रोग के वास्तविकता के साथ में रियलिटी के पास में पहुंचने में काफ़ी मदद मिलता है। तो साथियों, एक चीज का हमें ये
इतिहास लेने की बात होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंस पास्ट हिस्ट्री का है वह आपके लाइन ऑफ क्योर पर भी निर्भर करता है। लाइन ऑफ क्योर आपका रोग जो है आप इलाज कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वह पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसको कैसे जानिएगा। इसके लिए भी तो हमारे पास में नियम बने हुए हैं ना, हम लोग 12 ऑब्जर्वेशन में केंट का करते हैं, हम लोग हेरिंग्स लॉ को अनुपालन करते हैं और उस अनुपालन करने के लिए हमें भी पास्ट हिस्ट्री का जानकारी होना चाहिए। 12 ऑब्जर्वेशन को भी समझने के लिए हमें पास्ट हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये पास्ट हिस्ट्री का महत्व है क्योंकि पुराने पर ही नए का निर्माण होता है, पुराने खंडहर पर ही नए किले का निर्माण होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं। और यह रोगी के साथ में और रोग के साथ में भी यह होता है, निर्भर करता है, एक सिलसिला बना हुआ है। जिंदगी को हम लोग कहते हैं एक सिलसिला है जो जन्म के साथ में शुरुआत होता है और हमारे मौत तक जाता है। तो इस मौत को पूरे रास्ते को थोड़ा सा झलक हम लोगों को केस टेकिंग के माध्यम से मिल पाता है और इसको देखने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए, इसकी आदत बनानी होगी। आदत बनाना अति आवश्यक है हमें केस टेकिंग करने के लिए। अब आइए हम लोग देखें कि केस टेकिंग ये पास्ट हिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। पास्ट हिस्ट्री को भी जैसे हम लोगों ने वर्तमान को देखा था कि उसका जो मेन चीफ कंप्लेंट्स है, एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है और एसेसरीज कंप्लेंट्स है, तो उसी तरह से पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि ये कंपार्टमेंट बना लीजिएगा तो आप में पूछने में छूट नहीं जाता है। क्योंकि अगर दिमाग में खाली है वो कि अच्छा बताइए पहले क्या बीमारी था, तो रोगी कुछ बात बता देगा और उससे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास में अगर कंपार्टमेंट बना होगा दिमाग में तो आपको पूछने के लिए कई एक आधार बन जाएगा और हर एक पॉइंट को आप टच कर पाइएगा। आपका तो उद्देश्य है हर एक जगह से सही इंफॉर्मेशन को लेना है ना। तो हम लोग इसको कंपार्टमेंट को, एक एक कंपार्टमेंट को पास्ट हिस्ट्री के एक एक अध्याय को हम लोग लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आता है रोगी के जन्म के साथ में कोई रोग था कि नहीं, उसका जन्म कैसे हुआ है ना। अब बच्चे लोग आते हैं और आजकल के बच्चे देखिएगा, अधिकांशतः बच्चे जो हैं तो वो सीजेरियन बर्थ से आते हैं, ये भी एक माइलस्टोन है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हुआ ना, ये पेट को ऑपरेट करके हुआ तो कहीं ना कहीं इंजुरी हो सकता है, तो ये पहला इतिहास हम लोगों को होता है। बहुत सब जगह पर घर में डिलीवरी होता है, कहीं पर हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है ना। तो घर में हुआ डिलीवरी जो है अनट्रेंड दाई के द्वारा होता है या कभी कभी लोग ट्रेंड वाले से भी करवाते हैं, तो वहाँ पर दुर्घटना का ज़्यादा संभावना बना रहता है। हॉस्पिटल में भी लोग ज़्यादा कितना जा पाते हैं और उस समय जाने में कितनी देरी होती है, ये एक पहला चरण होता है हमें केस टेकिंग का, ये सॉरी पास्ट हिस्ट्री को जानने का। जब आप जान लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करना चाहिए गर्भावस्था में माता को और कोई प्रॉब्लम था कि नहीं है ना, माँ को और कोई प्रॉब्लम था कि नहीं। गर्भ का काल जो है 9 महीने का काल है वह कितने तरह से सही हुआ, तो ये बर्थ हिस्ट्री कहलाता है ना। बर्थ हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, बर्थ हिस्ट्री को जानना। और इसके अंदर में कुछ बीमारी का शुरुआत का भी न्यू भी आपको पढ़ सकता है, जान सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रोनोलॉजिकली बीमार, जब जन्म लेने के बाद में अभी तक के स्थिति में कितने तरह के रोगों से वह सफर किया है ना, कितने तरह के बीमारियों से उसके जीवन में आया, कितना बीमारी आया, जन्म लेने के बाद में रोया था नहीं रोया था, उसके बाद में उसे डायरिया हुआ था या और कोई बीमारी हुई थी, वह बेहोश हो गया था, ये बहुत सारा चीज जो है सो दुर्घटना के रूप में जिंदगी में शुरुआत होता है, तो इसे हमें जानना चाहिए। डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहला पार्ट होता है, डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रोग से संबंधित इंफॉर्मेशन, इसमें
पहले में हुए सभी रोगों का जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ रोग बीमारी ऐसे होते हैं, इसको दो भाग में बांट दीजिए, जो एक कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम होता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये आए दिन होता रहता है, जाता रहता है। तो ये कॉमन फेनोमेना अगर वह निरंतर बना रहा है तो वह महत्वपूर्ण होगा। यदा कदा कभी हो गया तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें ये जानने का प्रयास करेंगे तभी तो ये पता चलेगा ना कि इसका रेगुलर हमेशा बचपन में पेट खराब रहा करता था, हमेशा बार बार बुखार आ जाया करता था, हमेशा सर्दी से पीड़ित रहता था। तो ये एक माइलस्टोन का आधार बनता है, आप धीरे धीरे इसको ऐसे करके शुरुआत कीजिए, है ना। तो जन्म लेने के बाद में उसके जो एक रेगुलर कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम जो हुआ करता है वो था कि रहता था कि नहीं, या कभी कभी होता था कभी नहीं होता था, अगर नहीं कॉमन रहा तो ज्यादा कदा हो जाना पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बाद में कोई मेजर सिकनेस ला के खांसी वाले रोगी या सर्दी वाले बच्चे को जो बार बार सर्दी हुआ आता है, उसमें देखिएगा कुछ ना कुछ होता है कि बचपन में निमोनिया हुआ था। माँ कहती है कि बचपन में इसको, जब से हब्बा डब्बा, बिहार में लोग इसको हब्बा डब्बा या कई एक देहाती नाम है उससे पुकारते हैं, इसको बच्चा में ऐसा हुआ था और किसी तरह से वह बच गया था। इन्फ्लुएंजा हुआ था, किसी तरह से वह बच गया था, है ना, किसी तरह से बच गया था, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। अगर ये कहा किसी तरह से बच गया था, और उस बचने के बाद में इसको लगातार सर्दी बना रहता है, कभी जब भी मौसम बदलता है, जब भी ठंडा होता है, जब भी गर्म होता है तो इसे सर्दी हो जाया करता है। तो एक अच्छा हम लोगों को जानकारी यहाँ पर मिल रहा है कि वह, या नहीं तो कोई आपको देखिए मैं एक इरप्टिव फीवर्स आते हैं जिसमें कि चिकन पॉक्स है, मिजिल्स है, ये सब है, इस तरह का कोई भी आया था और उसके लिए टीका पड़ा था कि नहीं, चिकन पॉक्स मिजिल्स सब के लिए टीकाकरण का काम हुआ था कि नहीं। तो एक पार्ट डिजीज से रिलेटेड पार्ट ये होता है। फिर आता है टाइफॉइड है, मलेरिया है, ये सब का क्योंकि जब आप रिपर्टरी में यूज कीजिएगा तो आपके जो नया रिपर्टरी है सिंथेसिस में उसमें लिखा है नेवर वेल सिंस मलेरिया, कन्वर्सेंस आफ्टर द मलेरिया, आफ्टर द लंग इन्फेक्शंस, आफ्टर सच एंड सच बीमारी अस्थमा, उस बीमारी के बाद कभी भी उनका जीवन अच्छा नहीं रहा, मलेरिया के बाद कभी अच्छा नहीं रहा, टाइफाइड के बाद कभी अच्छा नहीं रहा। अगर और लोग कहते हैं कि मलेरिया टाइफाइड तो बड़ा कॉमन बीमारी है, लेकिन मलेरिया तो आपका लीवर से का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन को डैमेज करता है, टाइफाइड आपको ऑलमोस्ट इंटेस्टिनल ऑर्डर को प्रॉब्लम में डाल देता है। तो ये जो है सो माइलस्टोन को जानने के लिए, उसका कंटिन्यूटी, रोग का कंटिन्यूटी वहाँ से बना हुआ है ऐसा जानने के लिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं। तो ये उसके बाद में आता है कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि यदा कदा होते हैं, जैसे आपको जॉन्डिस हो गया, वो जॉन्डिस होने के कारण भी हमको पता चल जाता है ना कि जॉन्डिस क्यों हुआ था, उसके परिवार में हेपेटाइटिस बी का बैकग्राउंड है या उसको एक उसी को हुआ था हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है ना। तो ये निकालने का कोशिश कीजिए। ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री होता है ना, उसको टीबी, और खास करके देहाती में जहाँ की कंजेस्टेड वातावरण में लोग रहते हैं वहाँ पर आपको ट्यूबरकुलोसिस का आज भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो इस तरह कई एक रोग का जानकारी आपको मिल सकता है जब आप केस टेकिंग में इस पर ध्यान देंगे तब। ये तो रोग से संबंधित हो गया। उसके बाद में आता है उसके इंजुरी से रिलेटेड, चोट लगना से, है ना, जन्म के समय में चोट लगना और बच्चे बचपन का चोट लगना ठीक तो हो जाता है लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है, वो बाद में चल करके उसके अंदर में कुछ परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। तो इंजुरी ऑफ हिस्ट्री, और जब आप इंजुरी ऑफ हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो उस समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह का इंजुरी हुआ, किस तरह से वह चोट लगा, है ना, इंजुरी के हिस्ट्री में किस तरह का है, वो ब्लंट इंजुरी
इंजुरी था, गन शॉट इंजुरी था, वह गिर गया था, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, कहाँ टूटा था, कैसे यह है, ये इंजुरी हिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो ये इंजुरी हिस्ट्री के अंदर में आपको लेना है। उसके बाद में आता है इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स बाइट रिलेटेड, जानवरों का काटना, ये बड़ा कॉमन है हम लोग के समुदाय में, कुत्ता का काटना, चूहे का काटना, बिल्ली का काटना और स्कॉर्पियन का काटना, स्नेक्स का बाइट, ये सब बहुत कॉमन आप देख पाइएगा रोगी में मिलता है, खास करके देहात से आए रोगी में इंसेक्ट्स बाइट के, और इंसेक्ट्स बाइट या एनिमल बाइट्स या स्नेक बाइट्स का हिस्ट्री अगर होता है तो वह भी हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है लाइफ के पार्ट में। तो हम लोगों ने देखा डिजीज पार्ट, हम लोगों ने देखा इंजुरी पार्ट, और हम लोगों ने देखा उसका एनिमल बाइट्स का या जानवरों से काटने का पार्ट। उसके बाद में आता है उसका सेल्फ इमोशनल मेंटल इंजुरी, है ना, मेंटल इंजुरी, ये सबसे भयंकर है। मेंटल इंजुरी को जानना, ट्रॉमा को जानना, अगर आप जान लेते हैं तो बहुत बड़ा आधार आपको मिल जाता है रोग को ठीक करने के लिए। ट्रॉमेटिक हिस्ट्री जो है, मेंटल ट्रॉमेटिक हिस्ट्री, ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका मेडिकेशंस, दवा लेने का इतिहास, है ना, दवा लेने का इतिहास, दवा लेने का है कि कितने तरह की दवा चले, दवा खाने की आदत बन गई, या दवा खाना मजबूरी में खाता रहा, या दवा के प्रति उसका जो है सो हमेशा एक रिलेशनशिप बना रहा, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन और मेडिसिनल रिएक्शंस, एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना होता है हम लोग के पेशेंट के लाइफ में, मेडिसिनल डिजीज, डिजीज क्रिएटेड बाय द मेडिसिन। अब मेडिसिन में हम लोग खाली एलोपैथी की बात करते हैं, नहीं, मेडिसिन सभी तरह के होते हैं, एक होम्योपैथिक मेडिसिन से भी रिएक्शन होता है। हम लोग आम धारणा है, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा से नुकसान नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ, और आप देखिएगा इस चीज के लिए होम्योपैथी आपको सिंथेसिस रिपोर्टरी में तो एक रूब्रिक्स बना हुआ है, वायलेंट रिएक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, अब्यूज ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, अब्यूज ऑफ द हाई पोटेंसी, ऐसे रूब्रिक्स बने हैं, सिपिया है और कई एक दवा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो और खास करके जहाँ पर कि होम्योपैथी को ऐसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि एकेडमिक होम्योपैथी नहीं होता है, वहाँ पर मिलावट में दवा को देने का प्रचलन है, और जब दवा मिलावट होम्योपैथी के सिद्धांत के विपरीत दवा दीजिएगा तो वह क्या होगा, वह तो नुकसान ही करेगा ना, होम्योपैथिक सिद्धांत के विपरीत दवा देना, तो वह जो है सो उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है, और दवा अगर साइड इफेक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग दवा नहीं कहेंगे। दवा का मतलब है एक्शन, चेंज, दवा का सीधा मतलब होता है चेंज, और वह क्या परिवर्तन लाया, दवा देने से उसके लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ, इस बात को जानना जरूरी है। अगर इस बात को आप जानते हैं, जान लेते हैं, तो आपको उसके जीवन में बदलाव लाने में सहूलियत होता है, आपको पोर्ट्रेट बनाने में सहूलियत होता है। तो टाइप ऑफ द मेडिसिन टेकन, एंड एक होता है एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस, मेडिसिनल एडिक्शंस, बहुत से बच्चों को बचपन में लत लग जाता है टोबैको का, नशा का, है ना, अल्कोहल का, और या बचपन में या आगे चल करके, है ना, ये आदत लग जाता है, ये आदत जो है सो ये ड्रग एडिक्शंस की ओर लीड करता है। तो ये आदत रहा है नहीं रहा है, इसको भी हम लोगों को निकालने का प्रयास करना पड़ता है, ये सब पास्ट हिस्ट्री में आपको आता है, और अगर वह वर्तमान में चला आ रहा है तो वह तो वर्तमान का बात हो ही जाता है, लेकिन वह कैसे एडिक्टेड हुआ, स्वयं लेना शुरू किया, किसी ने उसे उत्साहित किया, या किसी मजबूरीवश वह एडिक्शन हुआ, है ना, दवा का एडिक्शन होता है, आपका नारकोटिक्स का एडिक्शन होता है, कहीं चंगुल में फंस गया, उसमें उसको आदत लग गई, तो ये चीज जो है सो इतिहास उनके अंदर में आपको लेना पड़ेगा, नारकोटिक्स और सारे चीज का एडिक्शंस का हिस्ट्री आपको यहाँ पर कहते हैं, इसको ड्रग गेटिंग एडिक्टेड विद द ड्रग्स एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस। ये सब दे लेने के बाद में जब आप इतना हो जाता है तो उसके बाद में आप आते हैं, फिर हम लोग इसके
रिहैबिलिटेशन पार्ट पर, एक माने कि कंटिन्यूटी ऑफ द डिजीज और कंटिन्यूटी ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस, कोई भी दवा है उसको उस समय से खा रहा है लगातार, है ना, वो लगातार खा रहा है, ये कंटिन्यूटी का पार्ट आता है। और यह कंटिन्यूटी का पार्ट जो है सो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको हम लोगों को लेना है। एलिमेंट्स फ्रॉम, आपके रिपोर्टरी में जब जाइएगा तो एक रूब्रिक्स है, आता है, और हर एक चैप्टर में उसको आपको मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम, इसके कारण रोग। और माइंड चैप्टर में आइएगा तो वहां पर एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़े सब रूब्रिक्स है जहाँ की एलिमेंट्स फ्रॉम मिलेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एंगर सप्रेस्ड एंड एंगर एक्सेग्रेटेड, एलिमेंट्स फ्रॉम एंग्जाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट एंड फियर, है ना, भय। एक पेशेंट का मैं बच्चे का मैं इतिहास बता रहा हूँ। मैंने रोगी देख रहा था, देखा, और बच्चा था, और वो बच्चा जो है सो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था। ऑटिस्टिक मतलब कि उसका जो व्यवहार था एकदम ही हाइपर एक्टिव टाइप का था। तो जब मैं पूछ रहा था तो मैंने ये डिटेल हिस्ट्री में जब मैं आया तो उसमें मुझे बड़ा विचित्र कहानी मिला। कहा कि ये बच्चा जब हम लोग थे तो एक बार पार्क में अकेले गया, खेल रहा था, शाम का समय था, थोड़ा सा अंधेरा हुआ था, और वहाँ पर अचानक ये जोर से चिल्लाया और उसके बाद में वह बेहोश हो गया। हम लोगों को जब पता चला, हम लोग गए, रोगी के गार्जियन बोल रहे हैं, जब हम लोग उसके पास में गए तो वह, हम लोगों को लगा कि वह बेहोश है, और उसको हम लोग पानी का छींटा उटा दिए तो उसके बाद में वह होश में आया। हम लोगों ने जांच करने का कोशिश किया कि कहीं चोट उट लगा है कि नहीं, कहीं गिर गया है कि नहीं, तो वो कुछ पता नहीं चला। फिर उसने हमने पूछा, फिर वो उसमें वो क्या बता, तो उस जब वो होश में आया तो उस बच्चे से पूछताछ करने लगे, तो बच्चा जो है तो बार बार एक तरफ इशारा कर रहा था, बार बार कुछ बोल नहीं रहा था, है ना, बार बार एक तरफ इशारा कर रहा था, थोड़ा सा डार्क प्लेस था, अंधेरा जैसा था वहां से। अब लोगों को शंका हुआ, लोग उधर गए तो कुछ था नहीं, कुछ था नहीं, ठीक है ना, अंधेरेपन में का समय था, कुछ था नहीं। दूसरे दिन सवेरे में लोगों ने जा करके उधर देखा तो वहां भी कुछ नहीं मिला। तो वो बच्चा जो है सो बार बार ऐसा बोला कि क्या देखे, क्या देखे, तो कहा कि हमको लगा, वो बच्चा बोल रहा था कि कोई हमको बहुत ही भयानक, ये था भयानक, भयानक शब्द का इस्तेमाल किया, डरावना टाइप का। तो लोगों ने, हमके दिमाग में आया कि उस समय में डर गया, और वह डरना जो है तो उसके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, और वो डरने के बाद में उसके अंदर में एक मेंटल चेंजेज आने लगे, वह हाइपर होने लगा, वह हमेशा कोई भी अचानक किसी भी चीज को देख के चौंक जाने लगा, है ना, और कोई चीज को टोकने के बाद में कॉन्ट्रेडिक्शन से उसके प्रॉब्लम होने लगे। तो ये जो डरने का जो हिस्ट्री है, डरा किस चीज से डरा तो हमको पता नहीं चला, लोगों को भी नहीं पता चला, लेकिन डर तो गया। तो इसमें आपका एक रूब्रिक्स आ जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, दो चीज है, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड एलिमेंट फ्रॉम फियर। फियर मतलब कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, एलिमेंट फ्राइट का मतलब होता है कि कोई ऐसा घटना से डर भयभीत हो गया, कोई ऐसा घटना से भयभीत हो गया। तो ये चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं आम जिंदगी में हुआ करता है। एक छात्र का ऐसे ही हम लोग इलाज कर रहे थे, अनिवार्य एपिलेप्टिक, और एपिलेप्टिक मैट्रिक के परीक्षा के बाद से हुआ, मैट्रिक के परीक्षा के बाद। मैट्रिक के परीक्षा में क्या हुआ, लड़का पढ़ने में तेज था, सब कुछ था, सब लोग उसे संतुष्ट थे, परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद में उसके अंदर में एक बदलाव आया, और तो लोगों ने सोचना शुरू किया, हमने बोला कि मैट्रिक की परीक्षा में क्या हुआ, और रिजल्ट भी आए अच्छे, ऐसा भी देखिए रिजल्ट भी खराब नहीं आया, रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन मैट्रिक के परीक्षा के बाद में ऐसा घटना, उसको एपिलेप्टिक अटैक आना शुरू हुआ। तब हम लोगों ने, जब हम लोग उसे, लोगों ने उसको पूछताछ किया, तो परीक्षा के समय में किसी छात्र ने, उसका साथी, उसको डराया, धमकाया और
उसके डरा धमका करके उसके जो आंसर शीट्स थे उसको नकल करने के लिए कहा। ये डरा हुआ भी था कि अगर हम बताते हैं तो मास्टर साहब हमको उधर से एक्सपेल कर देंगे, और इधर था कि ये नहीं बताते हैं तो ये लड़का हमको मारेगा। तो ये द्वंद में फंसा हुआ था, और डर के द्वंद से, डर के द्वंद से। तो छात्रों, ये जो घटनाएं हैं, इस तरह की बातें हैं, हम लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना हुआ करता है। ये तो मेंटल ट्रॉमा की बात हुई, मेंटल फियर की बात हुई, इमोशनल एक्साइटमेंट्स यंग स्टूडेंट्स में आते हैं इस कॉलेज के लेवल पर, तो वहाँ पर लव डिसअपॉइंटमेंट्स के बहुत सारे हिस्ट्री मिलेंगे। उसके बाद में आपको सेक्सुअल पार्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा समय निकाल करके, और इसको थोड़ा सा संवेदनशील प्रश्न होते हैं, इसको पूछते समय में यह ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आप करने जा रहे हैं वह प्रश्न वह सभी के सामने में जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर नहीं दे सकता है तो थोड़ा सा अलग होकर के पूछना चाहिए। उसके सेक्सुअल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, मास्टरबेशन के हिस्ट्री, एक्सेस एक्साइटमेंट, सेक्सुअल परवर्सिटी की हिस्ट्री, ये सारे चीज आपको रूब्रिक्स का काम होता है। सेक्सुअल परवर्सिटी भी रूब्रिक्स है, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस भी आपका बनता है, ठीक है ना। इम्पोटेंसी एंड नाइट फॉल और ये सब के केसेस आपको बहुत भरमार मिलेंगे, और उनके पीछे में सेक्सुअल एक्सेसेस होगा। और इसके अलावा, इस सेक्सुअल डिजीज के अलावा भी आपको जनरल लाइफ स्टाइल के जो बीमारी हैं उसमें भी आपको सेक्सुअल एक्सेसेस की कहानी आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेक्सुअल एक्सेसेस, सेक्सुअल परवर्सिटी एंड सेक्सुअल एक्सीटेंसी, है ना, एक्सीटेंसी हम लोग देखते हैं, सेक्सुअल एक्सीटेंसी मतलब नहीं करना, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो है सर, सप्रेशन ऑफ द सेक्सुअल डिजायर भी आ जाता है। ये सब चीज को हमें जानकारी रोगी से पास्ट हिस्ट्री के लेते समय में हम लोग को मिलता है। थोड़ा सा पूछताछ करने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पूछताछ करने का एक टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, और उसके कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप उसका जो कितना कॉन्फिडेंस, उसको कितना उसको अभिव्यक्ति नहीं हो, लोगों को कॉन्फिडेंशियल रहे, इस बात का हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर रोगी को यह लग जाता है कि मेरी यह बात जाने से लोग, डॉक्टर साहब इसको पब्लिसाइज कर देंगे, तो कभी आपको नहीं बताएगा, और डॉक्टर के का ये का भी कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है कि इस कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन करना, एक दूसरे के कष्ट को किसी दूसरे से उसको शेयर नहीं करना, है ना। तो जब ये आपकी कॉन्फिडेंशियल, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वह केवल रोगी और आपके बीच का संबंध होता है, उसके संबंधियों का भी नहीं, रिलेटिव्स का भी नहीं, किसी का नहीं होता है, वह आपके और रोगी के बीच का ही संबंध होता है। इसलिए इसको कभी भी निकालने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये सेक्सुअल हिस्ट्री की बात मैंने किया, और यह भी एक इम्पॉर्टेंट फेनोमिना आपके ये पास्ट हिस्ट्रीज के साथ में पूरा आता है। उसके बाद में आता है उसके लाइफ चेंजेज के लिए, जो चेंजिंग पैटर्न्स, उसके जीवन में जो बदलाव आया है उसके विषय में पूछने का कोशिश कीजिए, और कहाँ से किस समय में। उसके बाद में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है, लेना है कि एक रोग का दूसरे रोग से लिंकेज क्या रहा, एक रोग का दूसरे रोग से लिंकेज क्या रहा, है ना। तो ये आपका क्रोनोलॉजी भी आपको डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जब आप रोग का इलाज करते रहेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रोग डिसअपीयर होते हैं, रोग ठीक होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रोग ठीक होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो डिसअपीयरेंस है, यह एक के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो छात्रों, ऐसा लोग कहते हैं कि पास्ट हिस्ट्री के लिए हम लोग रूब्रिक्स क्या लेंगे, अरे रूब्रिक्स बड़ा हुआ है, रूब्रिक्स की चिंता मत कीजिए। एक बहुत अच्छा कहानी मैं और बताता हूँ, एक रूब्रिक्स बहुत नया रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में आया है, मदर एब्सेंट सिंड्रोम, फादर एब्सेंट सिंड्रोम, यानी कि माता का अभाव का सिंड्रोम के कारण उसके जीवन में बदलाव। जैसे कोई लड़का है, उसके बचपन में ही और कम उम्र में ही
उसके माँ का डेथ हो गया, नहीं है, एब्सेंट है, या छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, है ना, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो वह किसके साथ रहने लगा, अपने पिताजी के साथ रहने लगा, अपने दादाजी के साथ रहने लगा, अपने दादी के साथ रहने लगा। तो उसके ऊपर में मदर एब्सेंट सिंड्रोम, एक माँ का प्यार उससे तो वंचित रह गया, और उस वंचित रह जाने से क्या हुआ, उसके जीवन में एक बदलाव सा आना आया। तो वह जो अवस्था है, जैसे आप मैग्नीशिया ग्रुप के पेशेंट को देखिएगा, तो उसमें मदर एब्सेंट सिंड्रोम का, या कोई ऑर्फेन है, उसको मेडिसिन मैग्नीशिया ग्रुप के मेडिसिन में कहते हैं कि अनाथों की दवा होती है। मैं दिमाग में बैठाइएगा मत, मैं खाली एक उदाहरण के लिए यूज कर रहा हूँ, अनाथों की दवा होती है। तो अनाथ होना भी बीमारी का तो कारण हो सकता है ना, जो चीज मिलना चाहिए वैसा प्यार तो नहीं मिल रहा है, आर्टिफिशियल प्यार तो मिल रहा है, या किसी दूसरे तरह का प्यार मिल रहा है। ये सब हिस्ट्री आपको कहाँ से आएगा, ये सब हिस्ट्री तो आपको पास्ट हिस्ट्री से ही आता है, और पास्ट हिस्ट्री को लेना मैं आपको ये सब सारे, इसलिए दिमाग में अपना एक कंफर्ट, एक विस्तार बना लीजिए कि हमें यहाँ यहाँ जाना है, और हर एक रोगी के अवस्था पर। अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसके जीवन का तो सीमा है ना, एक सीमा में ही है, एक बड़ा आदमी है उसका एक जीवन का डायमेंशन बहुत बड़ा है, तो हर एक ये डायमेंशन को हिसाब से आपके पास्ट हिस्ट्री के चीज में जो चेंजेज आते रहते हैं वो हमें देखने का कोशिश करना है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों के लिए पास्ट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंस बनता है, हम लोग इसी तरह से और भी क्षेत्र एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके जीवन के आधार पर, वर्तमान जीवन के आधार पर। एक और भी मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि आपको एक जानकारी और मिलता चला जाए। एक व्यक्ति, लड़का पास करता है, बहुत मेहनत से ये करने के बाद में नौकरी के लिए प्रयासरत रहता है, प्रयासरत रहता है, और प्रयासरत रहने के लिए वह काफी जगह पर अप्लाई करता है, हर एक जगह पर उसको निराशा मिलता है, और अब जा करके माने 4 साल 5 साल प्रयास करने के पश्चात उसे एक नौकरी मिलती है, वो अभी उसके सेटिस्फैक्शन का नौकरी नहीं है, क्या लीजिएगा उसको, उसके जिंदगी में क्या भर गया, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, उसके जिंदगी में निराशा भर गया, और यह निराशा एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल फॉर द लाइफ, स्ट्रगल फॉर द लाइफ, जिंदगी को खींचने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया वह एक बहुत बड़ा होता है। कोई लोग कहते हैं जमीन से उठ करके आते हैं और अपने को अपना जिंदगी बनाते हैं, कोई लोग और उस तरह का जो लाइफ होता है वह स्ट्रगल फॉर द लाइफ, उसके अंदर में तो आपको हिस्ट्री हिस्ट्री भरा हुआ है। ये जो है सो हम लोगों के लिए खोजने का काम करना है, स्ट्रगल फॉर द लाइफ। जीवन में अचानक बदलाव आ जाना, अचानक बदलाव आ जाना, जैसे व्यापार, कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और उसके बिजनेस में लाखों का घाटा हो गया और उसके बाद से उसके जीवन में बदलाव आ गया, कहाँ से आया ये इतिहास, ये आया पूर्व इतिहास से, आपने पता किया उसके अंदर में, उसको पैरालिसिस हो गया, उसको डिमेंशिया हो गया और पागल हो गया, या उसको हार्ट अटैक हो गया, या उसको चेस्ट का बीमारी हो गया, या कोई भी बीमारी हो गया, लेकिन हुआ तो एक मोड़ से जिंदगी में मोड़ आया, लॉस ऑफ द मनी, घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, हाँ क्या हुआ, सारा कमाया हुआ धन गायब हो गया अचानक से। सो सडन चेंजेज इन द लाइफ, सडन चेंजेज इन द लाइफ, जीवन में अचानक परिवर्तन आया, है ना। तो परिवर्तन कैसे आया, अचानक आया, एक होता है कि ग्रेजुअल आया, इसमें क्या हुआ, स्ट्रगल करते 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 हुआ आज इस पोजीशन पर पहुंचा, नहीं पहुंचा, है ना, पहुंचा और नहीं पहुंचा, ये सारी घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वर्तमान को प्रभावित करता है। तो रोग के साथ में खाली पास्ट हिस्ट्री में हम खाली रोग नहीं लेते हैं, उसके जीवन अवस्था को, पहले के जीवन अवस्था का भी पास्ट हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और इतिहास मतलब सभी कुछ,
जिस पर वह आधारित है और इतिहास हमेशा यादगार होता है, याद दिलाया जाता है। इतिहास को याद दिलाने पर याद आता है या याद रहता है, ये दो चीज को दिमाग में रखिएगा। याद है तो वह तुरंत बताएगा, यानी कि उसके अभी प्रेजेंट में भी है, और याद दिलाने पर वह याद आता है तो वह शायद भूल गया था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, जो चीज को अपने आप बता देता है वह आज भी उसके दिमाग में खोल रहा है, ड्वेलिंग। एक रूब्रिक्स अच्छा, बहुत अच्छा रूब्रिक्स है आपके माइंड कहने में, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस। जब से जिंदगी में वह घटना घटी थी वह दिन रात उसके साथ में रहता है। जब से किसी चीज का परिवार में कोई आदमी सदस्य का डेथ हो गया, वह उसके बाद से हमेशा उस बात की चर्चा करता रहता है, उसका व्यक्ति करता है। तो जिसके साथ ज़्यादा लगाव रहेगा वह तो हमेशा तक साथ में रहेगा, जिस चीज़ के साथ में ज़्यादा लगाव रहेगा उसे वह जिंदगी में हमेशा साथ रहने का कोशिश करेगा, निकालने का कोशिश नहीं करेगा, है ना। तो इसको कहते हैं ड्वेलिंग, आपको माइंड में यह रूब्रिक्स आपको आ जाता है। तो एरिया बढ़ाइए, एरिया बढ़ाइए, और एरिया बढ़ाइएगा तो आपका जो है सो लक्षण का भरमार हो जाएगा। पास्ट हिस्ट्री में भी लक्षण भरा हुआ है, प्रेजेंट में भी लक्षण भरा हुआ है, और सबको समाहित करके आप जो है सो एक कम्प्लीटनेस ऑफ द टोटैलिटी पर आने का प्रयास। ये सारा प्रयास खाली टोटैलिटी के लिए है, और एरिया पर नहीं बढ़ाइएगा तो आपका केस टेकिंग जो है सो पर्पस ही कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। हमें जानकारी जितना हासिल करना है ले लेना है, और ये जानकारी लेने की कला को आपको बोलने की आदत, पूछने की आदत को डेवलप करना पड़ेगा। रोगी के सामने में शर्माइएगा, रोगी के सामने में सोचिएगा कि कैसे पूछें, तो फिर वो कुछ कोई कहानी बनेगी ही नहीं, है ना। कहानी बनाना है ना, कहानी बनाने के लिए उसमें हर एक बिंदु पर जाना पड़ता है, हर एक बिंदु पर जाना पड़ता है। मैंने और हैरिमन के एक बहुत अच्छे बात को मैं याद रखता हूँ हमेशा, और वह है फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पाई। फ्रैगमेंटेड, टुकड़ों टुकड़ों से बनकर के टोटैलिटी बनता है, टुकड़ों टुकड़ों से जुड़ करके फ्रैगमेंटा, वो जो टुकड़े टुकड़े में जो लक्षण मिलते हैं वही लक्षण एकत्रित होकर के किसी दवा का आधार बनता है। तो टुकड़ा को कलेक्ट कीजिए, और टुकड़ा को बटोरना पड़ता है ना, टुकड़ा को एक एक करके बटोरना पड़ता है, एक एक करके लेना, चूनना पड़ता है। और मैं चूनने का अभ्यास कर रहा हूँ आपको, तो टुकड़ों को चूनिए, उसको खोजने का कोशिश कीजिए, कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए, और ये आपके लिए तरीका है केस टेकिंग। केस टेकिंग में खाली हमें कलेक्ट करना है, लेना है, टेकिंग मतलब लेना 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 लेना, ठीक है ना। तो लेने का आदत, लेने का और लेने के लिए पात्रता बनी रहनी चाहिए, ओपननेस बनी रहनी चाहिए। क्लोज्ड माइंड से कभी भी लेना नहीं होता है, बंद दिमाग से कभी भी लेना नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि बस हो गया तो हो गया, खत्म हो गया कहानी, कहानी बना ही नहीं, बनेगा ही नहीं कहानी। कहानी को बनाने के लिए कहानी में कंटिन्यूटी होती रहनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और हमेशा सिलसिला बना रहना चाहिए। तो सिलसिला बनाने का प्रयास कीजिए, और यह आपका केस टेकिंग का आधार बनेगा। तो छात्रों, आज हम लोगों ने केस टेकिंग के इस भाग को देखा, जहाँ की आधारशिला बनता है, जहाँ की नींव पड़ता है, रोग का न्यू पड़ता है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डिजीज, है ना, वह पास्ट में होता है, और उस फाउंडेशन पर वर्तमान का, वर्तमान इतिहास बनता है, वर्तमान की कहानी बनती है, वर्तमान का वृक्ष दिखलाई पड़ता है। पेड़ कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के मिट्टी में वह जन्म लिया। रोग कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, अचानक आया, बाद में आया, किस तरह से चेंजेज आया। यह होना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेनोमेना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसको हम लोग कलेक्ट करना चाहिए। मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको पास्ट हिस्ट्री के संबंध में विशेष जानकारी दे, आपका दायरा, आपके माइंड का डायमेंशन को मैं बढ़ाने का कोशिश किया, और आपको भी कोशिश करना है अपने दिमाग के डायमेंशन को बढ़ाइए।
और दिमाग के डायमेंशंस को बढ़ाइएगा तो आपके पास में प्रश्नों का भंडार होगा और प्रश्नों के भंडार से आप उत्तर पाएंगे और आपको रोगी के नजदीक होना चाहिए, नजदीक होते चले जाएंगे। तो हम लोग आज इस पास्ट हिस्ट्री को यहाँ पर अब हम लोग पूरा करते हैं और इसके लिए अध्ययन रहते हैं, इसके लिए सोचने का प्रक्रिया आज से जारी करते हैं, है ना, कि हम कैसे इसको और भी इमेजिनेशन। आप, मैंने जितना बताया तो मैं तो केवल एक छोटा सा संदेश देने का कोशिश किया हूँ, आपके माइंड को एक्साइटमेंट्स देने का कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप और भी अपने ढंग से भी एक्सप्लोर कीजिए। है, मैं भी समय के साथ में मैंने भी सीखा है कि पास्ट हिस्ट्री में और कितना पूछा जा सकता है, अनंत है ये जो कथा है ना, आदमी के जीवन का अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं होता है। इसीलिए इस असीमित कथा में सीमा बांधने का कोशिश करिएगा तो कभी नहीं होगा, असीमित को असीमित ही रहने दीजिए, है ना, जो सीमा नहीं है उसको असीमित ही रहने दीजिए, क्योंकि बांधने का कोशिश कीजिएगा, लिमिट करने का कोशिश कीजिएगा तो वह आपको, आपका तार टूट जाएगा, है ना, ब्रेक कर जाएगा और आप उसको फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो छात्रों, हम लोग आज इसके साथ इस विषय को समाप्त करते हैं और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग अब फैमिली हिस्ट्री, आपका परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, परिवार का संबंध, है ना, तो फैमिली हिस्ट्री पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू, और हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं।